Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. I'm so glad that we could study the Word of God together. We're studying through the gospel according to Mark. We are in chapter 14. We are actually seeing the trial that Jesus faced before the Sanhedrin. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह की पेशकश की गई थी महासभा में एंड व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी टुडे और हम ये देखेंगे कि उसके पीछे क्या हो रहा था द लास्ट थिंग वी सॉ इज जीसस वाज स्पिट एंड पंचड ऑन हिज फेस बाय बीइंग ब्लाइंडफोल्डेड और पिछले बार हमने पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह के ऊपर थूका गया उन्हें मारा गया और उनके चेहरे को ढका गया था ही वाज treated really bad unke sath bahut hi galat bartav kiya gaya tha they blindfolded him and beat him up and punched him and saying prophesy who is beating you who is spitting on your face और उन उनके आंखों को बंद कर दिया गया था और उनके ऊपर थूका गया था उन्हें मारा गया था When they were through with him, जब ये सब कुछ होने के बाद according to Isaiah.

उनका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था नाक पे है इतने बुरी तरीके से उन्हें मारा गया था यू कैन स्टैंड लुक एंड एंड सेट एज है ओह oh, नो no. अगर आप वहाँ पे खड़े होते तो शायद आप बोलते कि आप ऐसा नहीं बोलते कि अरे इनके साथ क्या हुआ है लेकिन आप बोलते अरे बाप रे इट्स सो हॉरिबल दैट यू कांट लुक दैट्स द स्टेट दैट जीसस इज फेस वाज आफ्टर ऑल दिस हैपेंड और वो इतना भयंकर था कि आप उसके चेहरे को नहीं देख सकते थे लाइक यू डोंट इवन वांट टू सी दैट फेस अगेन कि आपको वो चेहरे को वापस दोबारा नहीं देखना है दैट्स हाउ हिज फेस वाज मॉर्ड

Punished, broken for our वो घायल हुए और वो हमारे पापों के लिए मरे ये बोलने के बाद मैं चाहूंगा कि आप मरकुस का अध्याय चौदावा में आए और उसमें छियासठ में हम जाएंगे तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढापने और उसे घूसे मारने और उसने उसे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे तब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासी ने में से एक आई। happening in the टू floor. And Peter was below in the courtyard. So Peter was still there. And he was just hanging out with those maid servants. Peter is still in the same place Where he was

so peter denied and he walked to the porch. a little far from where these people are hanging out. like to the gateway where he could be in a place so he can escape maybe near the gate and. the rooster crowed. and the rooster crowed. that's the first time. और वो पहली बार हुआ 69 70. वचन उन्हत्तर और इसी गर्ल डस अगेन अगर अभी आप देखेंगे कि वापस से ये दासी क्या करती है वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी कि वह उनमें से एक है परंतु वह फिर मुखर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पत्र से कहा निश्चय तू उनमें से एक है क्योंकि तू गला भी है

She didn't she didn't understand what was right and wrong. Maybe she was just trying to show loyalty to her leader, her boss. Maybe she was so caught up in the religious system that she really considered Caiaphas to be the holy man and Jesus and his disciples to be the enemies of God. या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो दासी थी वो खाइफा को पवित्र व्यक्ति समझती थी और यीशु और उसके चेले को वो पसंद नहीं करती थी How about you? आपके बारे में क्या अबाउट जीसस बट रियली बिलीव जीसस इज रॉन्ग क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु को जानते हो लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि यीशु गलत है यू थिंक वाज रॉन्ग या आप ऐसे व्यक्ति हो जो सोचते हो कि ये जो पवित्र व्यक्ति है वो सही है और ये गलत है बट वॉट अवर यूर डूइंग यू आर बेसिकली डिनाइंग द ट्रूथ आप जो कुछ भी कर रहे हो आप सच्चाई को इनकार कर रहे हो यू डिनाइंग दीजस इज द ट्रूथ आप इनकार कर रहे हो कि यीशु ही सच्चे हैं। यू डिनाइंग वॉट यू नो आप इनकार कर रहे हो जो आपको मालूम है यू डिंग जीजस क्राइस्ट आप को इनकार कर रहे हो denying your salvation. आप आपके उद्धार को इनकार कर रहे हो यू डिंग द लव ऑफ गॉड आप परमेश्वर के प्रेम को इनकार कर रहे हो। होट द पीपल कॉल्ड और यहाँ पे पतरस ने यीशु को इनकार किया और जो भी लोगों ने उसे बुलाया उन्हें इनकार किया said, said, no. जब इन सब लोगों ने पतरस को कहा कि तू भी यीशु के साथ था तू भी उसका चेला था तो पतरस ने कहा नहीं They said, hey, I can see that. You're a और उन्होंने ये भी कहा कि हे hey, पतरस मैं जानता हूँ कि तू गलीली का है you're not from here what are you doing here that guy who's been beaten up now he is a galilean so you should be with him right

All this. ये सब कुछ. All this probably was making those people corner Peter. ये सब कुछ जब लोगों ने कहा जिसे वो पत्रस को अलग करना चाहते थे. And now I want to ask you if you're a believer. और मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आप विश्वासी हो तो. Brother, sister, are you being challenged by people like this? क्या आपको भी लोगों से चुनौती मिल रही है? I've been से? forced to deny Jesus? क्या आपके ऊपर भी जोर जबरदस्ती की जा रही है कि आप यीशु को इनकार करें? Are you challenged that following Jesus is becoming very difficult for me? क्या आपको चुनौती हो रही है कि यीशु के पीछे चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है? Please do not deny Jesus. मैं यही आपसे कहूंगा कि आप यीशु को इनकार ना करें। Follow Jesus. यीशु के पीछे चलें। Come what may. चाहे कुछ भी हो जाए। Don't give up. आप हार ना माने पर हियर पीटर बिगन टू कर्स एंड स्वोर विद एन ओथ लेकिन यहां पे पत्रस निंदा करने लगा और वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने लगा वर्स 71 वचन 71 तब वह दिखाने देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता पीटर lied।

पसंद है वो हम कर रहे हैं और हम यीशु को इनकार करते हैं फिर डिनाइड जीसस। और पतरथ ने यीशु को इनकार किया सो मेनी टाइम्स बहुत बार गॉड्स ओन पीपल, बिकॉज ऑफ़ फ़ियर, बिकॉज ऑफ ट्रबल, बिकॉज़ ऑफ़ पेन, हिम। परमेश्वर के खुद के लोगों ने उन्हें इनकार किया डर के वजह से कष्ट के वजह से दुख के वजह से

मैं नहीं uh, जानता क्यों पतरस पतरस के साथ ऐसा हुआ। When ran away, at least Peter was there. जब सब लोग भाग गए हम देखते हैं कि कि पर था। था I mean, शायद वो सोच रहा था अभी मैं क्या करूँ मुझे क्या करना चाहिए ये जब सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है मुझे नहीं मालूम इसे मैं कैसे

We follow Jesus. और वो अपने आप को सुरक्षित रख रहा था क्योंकि उसको सारे जगह से उसे सब लोग उसके खिलाफ थे अभी दूसरे बार यहाँ पर मुर्गे ने भांग दी नाउली अर्ली मॉर्निंग हो सकता है कि सुबह को लाइक टू पीटर बिफोर थ्री Peter would deny, he denied actually. जैसे येशु ने पत्रस से कहा था कि मुर्गे के भांग भांग देने से पहले तीसरे बार वो येसु को नकारेगा Peter had him, और हम देखते हैं कि पत्रस ने ये को इनकार किया

आ वचन में जाओ एज़ फॉर अ ब्रदर एंड सिस्टर टू प्रे फॉर यू आपके भाइयों बहनों से कहो कि वो आपके लिए प्रार्थना करें आई नो इट्स चैलेंजिंग मैं जानता हूं कि ये चुनौती है बट रिमेंबर लेकिन ये याद रखो यू विल नेवर लीव यू नॉट forsake यू कि वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं पर 72 वचन 72 तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने भांग दी पतरस को वह बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई कि मुर्गे के दो बार भांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा वह इस बात को सोचकर रोने लगा Now you see, when he encountered the word of God, when he encountered what Jesus has spoken, his heart broke and he wept. जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया जब यीशु ने उसे कहा था कि मुर्गे के भांग से, भांग के से बाद तू मुझे इनकार करेगा और और जब पतरस को ये समझ आया तो वो रोने लगा। पहले उसे पश्चाताप नहीं हुआ लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन आया उसके सामने वो रोने लगा और जब उसे याद आया कि यीशु ने जो कहा था उससे वो सोचकर वो रोने लगा और वो पश्चाताप करने लगा। The word of God is a double-edged sword। और परमेश्वर का वचन धोडारी तलवार है। The word brings conviction in us। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जो पाप है उसे बाहर लाता है। The word pierces our heart so we could surrender to God's will। उनका वचन हमारे दिल को ऐसा काटता है कि हमें समझ आता है कि हम कहाँ पे पाप कर रहे हैं द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड लीड्स अस टू रिपेंटेंस और जब और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पश्चाताप में चले जाते हैं फ्रॉम फिल्थ रिपेंटेंस लीड्स अस टू बी वॉश्ड वॉश्ड अवे बाय जीसस जो भी हमारे अंदर जो गंदगी थी जो पाप था पश्चाताप के द्वारा जो है हम

हमें तोड़ देता है और हम पश्चाताप में आ जाते हैं द ट्रूथ ऑफ आर कन्विक्शन कम्स ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर सिस्टर और हमारे अंदर जो पाप है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें वो साफ कर सकता है द ट्रूथ अलोन सेट्स अस फ्री परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है वो ही हमें स्वतंत्र देता है आई थिंक पीटर लर्न दिस लेसन और मुझे मेरा मानना यह है कि पतरस को यह समझ आया And I want you also to learn your lesson. We all should learn our lessons. There are so many ways we could deny Jesus. When things get hard, we kind of feel like my life is in jeopardy. I need to really fix it. So leave Jesus alone now. Let's just do whatever we need to do. And then later we'll come back to Jesus. जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है तो हम यही सोचते हैं कि चलो यीशु को हम अलग रख देते हैं और हमारा जो मुश्किल है जो भी जीवन का मुश्किल है उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं ना कि हम यीशु के पास जाते हैं इट्स वन थिंग टू विटनेस दैट दाड्स वर्ड एंड इट्स पावर टचिंग समबडी एंड एंड इट्स इट्स अनदर थिंग व्हेन दैट वर्ड ऑफ गॉड पावर मी पर्सनली यू नो ये ये ऐसा है कि परमेश्वर का वचन जब एक किसी को छू लेता है तो वो उसका जीवन ही बदल जाता है गॉड ब्लेस पीटर और परमेश्वर ने पतरस को आशीर्वाद दिया आई अंडरस्टैंड वे पीटर इज और मैं समझ सकता हूं कि पतरस की दशा क्या है आई थिंक ही वाज सिंसियर इन हिज प्रॉमिस टू फॉलो जीसस और मेरा मानना यह है कि वो बहुत ही ईमानदार था और उसने जो भी वादा दिया था उसमें वो ईमानदार था

जब हम प्रार्थना करेंगे वहीं से हमें सामर्थ्य मिलती है द मोमेंट यू सीक गाड यू रिसीव एंड स्ट्रेंथ जैसे ही हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें वहां से ताकत मिलती है हमें वहां से हमें आराम मिलता है बट द मोमेंट यू लुक फॉर कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ नॉट गार्ड यू आर और बी अंडर अटैक ऑफ द एनिमी लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की तरफ नहीं जाते लेकिन बाहर के तरफ जाकर आप ताकत ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप दुश्मन के हाथ में गिर जाते हो तो इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु के ऊपर निर्भर होने से ही हमें और ज्यादा ताकत और सामर्थ मिल सकता है आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट Peter did, I believe, is he's tried to walk far away from Jesus. और मेरा मानना ये है कि पतरस इसलिए असफल हुआ क्योंकि वो यीशु से दूर रहा। He had an opportunity to stick close by. उसके पास वो अवसर था कि वो यीशु के करीब जाए। But he didn't. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। But yet he followed Jesus. लेकिन फिर भी आगे हम देखते हैं कि वो यीशु के पीछे गया। Maybe it's like us.

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका निर्णय क्या है Do you follow Christ? क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हो? Do you know him? क्या आप उन्हें जानते हो? Have you been a disciple of Jesus Christ? क्या आप यीशु के चेले रहे हो? Have you followed him and now you have walked away? क्या आप उनके पीछे पहले चल रहे थे और अभी आप उनसे दूर हो गए? Have you been backslidden? क्या आप पूरी तरीके से क्या आपने यीशु को छोड़ दिया है? Have you been denying Christ? क्या आपने यीशु को इंकार किया है? कितने देर तक आपने यीशु के सच्चाई को आपने इंकार किया है? कितने दूर तक आप जाएंगे? आप जाएंगे? अभी पीछे मुड़िए यीशु के पास जाए उनके पास आए और वो ही सच्चे है और वो ही उद्धार करता है

तो अभी आपको दिया गया है कि आपको निर्णय लेना है मनुष्य का भय और परमेश्वर का भय ये दोनों एक साथ नहीं जा सकता यू मस्ट Christ. आपके अंदर विश्वास होना चाहिए यीशु के पीछे चलने के लिए be terrified with what you see. और आप डर ना जाए जो कुछ भी आप देख रहे हो और पत्रस डर गया था जो कुछ भी उसने देखा। faith, वो विश्वास में नहीं चल रहा था लेकिन जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था उसके अनुसार चल रहा था डोन्ट फियर मैन आप लोगों से ना डरे डों आप जो भी लोग आपके साथ करेंगे उससे आप ना डरे फॉलो जीजस विद गॉड नॉट विद मैन आप यीशु के पीछे चले परमेश्वर का भय मानकर चले ना कि मनुष्य का भय मानकर चले इफ वुड नॉट वॉक लॉन्ग Jesus. अगर आप मनुष्य के भय में चलते जाएंगे तो आप परमेश्वर में कभी नहीं चलेंगे यू आप एक ना एक दिन यीशु को नकारेंगे इफ यू वॉक फॉर benefits. अगर आप सिर्फ फायदे के लिए यीशु के साथ चल रहे वर्ल्ड तो आप यीशु को इनकार कर देंगे जब आपको के आ रहा है कि आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है इस दुनिया में so तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप के साथ चले क्योंकि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया है और वही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है Father, we just want to thank you for my brothers and sisters and ask you, Lord, to help us to turn back to you, especially those who walked away from you, who's denied you. Lord, show us grace. Give us forgiveness. Lord, we repent this moment and ask you for your mercy. Lord, you're a good God. You love us. Help us now.

तो मैं आपको न्यौता देता हूँ कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए हम आपको एक लिंक देंगे आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है सही है कि नहीं तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए कॉल कीजिए हमें व्हाट्सअप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए फतेह परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा आज मैं आशा करता हूँ कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं शुक्रिया